हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्यारहवीं त्रैमासिक पेपर हिंदी कक्षा ग्यारहवीं में। तो आपका जो माध्यम है वो हिंदी रहेगा, आपका जो प्रश्न जो आपका पूर्णांक रहेगा वो आपका अस्सी अंक रहेगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। तो इस वीडियो में मैं आपका फुल सोल्यूशन देने वाला हूँ, आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन। तो वीडियो को नए चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो प्लीज़, और टेलीग्राम में जुड़ जाइए ताकि पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाए। तो चलते हैं सीधे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो फर्स्ट है लता मंगेशकर जी के पिता का नाम, तो दीनानाथ बागेश्वर मंगेशकर, रामनाथ मंगेशकर, अमरनाथ मंगेशकर, उमानाथ मंगेशकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। फिर जो सेकंड है, प्रेमचंद जी का मूल नाम था, तो प्रेमचंद धनपत राय, गणपत राय, कल्प राय, रामदास राय, तो गणपत धनपत राय हो जाए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मीरा के आराध्य प्रभु हैं राम कृष्ण बलराम शिव, तो कृष्ण इसका सही हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं, एक दो तीन अनंत, एक रूप माना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार लिया, ईश्वर के रूप में, पति के रूप में, शाखा के रूप में, आराध्य के रूप में, तो पति के रूप में। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है, एक, चार से कम, आठ या आठ से अधिक, चार से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा आठ या आठ से अधिक। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गायिकाओं को बेजोड़ गायक कहा जाता है, लता मंगेशकर को। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं, तो आठ भेद हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो अलंकार कहलाते हैं। फिर जो नेक्स्ट है, मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित है, तो टीवी धारावाहिक। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद कवि हैं, तो छायावाद के। फिर जो नेक्स्ट है, छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं, तो चार। फिर जो नेक्स्ट है, कबीरदास ने ईश्वर की सत्ता मानी है, तो एक मानी है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा के प्रभु, तो हो जाएगा कमल। फिर जो कुल की हानि, कुल की हानि का हो जाएगा, सॉरी मैं आपको फिर से बताऊँ, ये थोड़ा मिस्टेक होगा, मीरा के प्रभु का हो जाएगा गिरधर नागर। कुल की हानि जयशंकर, परिवार की मर्यादा द्विवेदी युग के प्रवर्तक, तो इसका हो जाएगा आपका तीन नंबर, जयशंकर प्रसाद। कुंडलिया छंद तो हो जाएगा 24, रस के अंग हो जाएगा चार, जलद का कमल हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लीजिए, तो पल्लर पानी और पतल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है, तो इसका आंसर आपको मैं अगले कमेंट करके ज़रूर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेजानी। फिर जो नेक्स्ट है, छंद की कितने प्रकार, तो छंद के दो प्रकार होते हैं। फिर जो नेक्स्ट है, रस कितने के कितने अंग होते हैं, तो चार। जन सरकार के कोई तीन माध्यम लिखिए, तो समाचार पत्र रेडियो, आपको तीन संसाधन लिख लेना। शब्द युग्म किसे कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन के गुरु का नाम क्या है, तो मास्टर त्रिलोक सिंह। फिर जो नेक्स्ट है, मीरा किसको आराध्य मानती थी, तो कृष्ण को। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक सूरदास की रचना है, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, सुमिंता नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, इसका आंसर हो जाएगा गलत। फिर जो नेक्स्ट, भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना, तीसरे का। फिर जो नेक्स्ट, भारत की मंदाकिनी सुसाहित्य शब्द गंगा की प्रवाची है, तो सत्य है, रस के चार प्रकार हैं, तो यह असत्य है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, छठ काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को रस कहते हैं, तो ये भी असत्य है। फिर जो है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी। फिर जो अथवा क्वेश्चन आ जाता है, सूर्योदय के वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भक्ति काल की दो विशेषता लिखिए, अथवा क्वेश्चन है आदिकाल वीरगाथा काल की दो विशेषता लिखिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आठवां क्वेश्चन, धन राम मोहन को अपमान प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, अथवा क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने आठवां का, इतिहास की में इस प्रति का वर्णन नहीं मिलता क्यों। फिर जो नेक्स्ट है, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए, अथवा क्वेश्चन आ जाता है काव्य की कोई चार विधाओं के नाम लिखिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल जी की गायिका को की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर जो नेक्स्ट है आपके सामने, राजस्थान में कुएं किसे कहा जाता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा का, पत्रकारिता क्या, स्पष्ट कीजिए। फिर बारहवां क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा क्वेश्चन, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए।
तिरहामा आप क्वेश्चन देख सकते हैं, तिरहामा का जो आत्मा है रचना की दृष्टि वाक कितने भेद होते हैं नाम लिखिए। उदाहरण क्वेश्चन है शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द गुण किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशक वाक्य परिवर्तित कर लिखिए। सचिन आज मथुरा जाएगा निशे दस्तावेज पर शायद कोई आया प्रश्नवाचक। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अथवा में क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाएगा तो आपको यहाँ पर दिया वाक्य के लिए एक शब्द रास्ता दिखाने वाला जो कुछ पैदा हो में जो कुल में पैदा हो हुआ है। फिर जो नेक्स्ट प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्य परिचय निम्नलिखित में से लिखिए। कबीर दास और मीरा का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देख के लिख लेना। फिर जो नेक्स्ट बिहारी का यही सहारा होता है गलता लोहा कहानी के कथन इसका आधार पर प्रश्न है किसने किसको कहा किस प्रसंग में कहा गया यह कथन सार्थक कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट महाकाव्य की प्रमुख विशेषता लिखकर चार महाकाव्यों के नाम लिखिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपत्ति गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों को के उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पर प्रति गद्यांश देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है दासी कौन है मंथरा को क्यों दुखी है मंथरा के अनुसार के कई को क्या मालूम नहीं था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन साहित्य प्रसंग आपको दिया गया तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए अच्छे से ये पढ़ लीजिए 22वां भी 21वां भी संदर्भ प्रसंग है। 22वां जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं आपके मोहल्ले में गंदगी बीमारी फैल रही है आपको सफाई व्यवस्था अधिकारी नगर निगम को आपको पत्र लिखना है ताकि आपके मोहल्ले में साफ सफाई हो। फिर जो अथवा कहा अपने क्षेत्र में अधिक वर्षा में हुई नुकसान दुखी पिता को एक पुत्र का संपलंत पत्र लिखना है आपको। फिर जो 23वां क्वेश्चन है आपके सामने तो विषय में किसी एक विषय पर निबंध है वर्तमान समय में कोरोना पर्यावरण प्रदूषण विज्ञान और समाज मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग जल ही जीवन है किसी एक विषय पर आपको लिखना है। तो आप चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको जानकारी देनी हो तो मैं सीधे टेलीग्राम ग्रुप पे ही डालता हूँ। तो आप प्लीज़ जल्दी से जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या अबाउट में जाकर भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बाय टाटा।